हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पोस्टल को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो कैसे भरना है, क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको हॉस्टल मिलेगा, क्या रैंकिंग होगी, हर कुछ को हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पार्टिकुलर से देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद का फिर प्रोसीजर क्या, रैंक है कैसे, हिसाब से आपको रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है mj.jmi.ac.in। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि आप mj.jmi.ac.in पर जा करके साथ साथ आप वाईफाई के फॉर्म को भी वहां से भर सकते हैं। तो अगर आपने वाईफाई का फॉर्म नहीं भरा है तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करें और आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देखें कि आपको वाईफाई के लिए कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपका अप्रूवल होगा। आप बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप के भी आप वाईफाई अपने फोन पे चला सकते हैं। तो ये तीन चीज मैंने उस दो वीडियो में बनाई है, तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, mj.jmi.ac.in। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये जैसे हमारे पास ओपन होके आ गया mj.jmi.ac.in। तो आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना होता है और जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो तो आपको क्या करना होता है कि सारे प्रोसेस आपको सेम करने होते हैं। तो वो क्या प्रोसेस है, तो आपको थोड़ा सा मैं इसमें प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। वैसे जो मैंने आपको वीडियो का आई बटन पे बताया था, उस आई बटन पे जाकर के आप इस सारे प्रोसेस को आप देख सकते हो कि उसमें और क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है। तो जो जैसा भी आपके सामने में था तो सेम चीज आपका होगा, यहाँ पे भी आपका सेम आईडी डालाएगा और सेम पासवर्ड होगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो आप आई बटन पे जो मैंने वीडियो का लिंक दिया उसे जाके आप चेकआउट एक बार कर लें। उसके आगे की प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे साइन इन कर लेना है जो हमारे पास आईडी है। जैसे ही हमारे पास ये सारी चीजें साइन इन हो जाती है तो इंटरनेट और जेएमआई वगैरह का डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, इसके बारे में मैंने वीडियो में बात कर दिया है। अब हम लोग आते हैं हॉस्टल पे, वापस बैक आते हैं। तो हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, सीधा आपको यहाँ पे जब आप ये सारी चीजें आपके ओपन हो जाएंगी तो आपको जाना है हॉस्टल रजिस्ट्रेशन पे। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर हॉस्टल एडमिशन, जिसकी डेट क्या है, 13/11 से 30/11 तक, मीन्स कि आपकी आखिरी डेट क्या है, 30/11। अगर 30/11 तक अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो आपको ऑब्वियसली आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि ये तो हो गया स्टार्ट डेट एंड डेट, सेशंस भी हो गए। अब क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आईडी हो गई, स्टूडेंट्स का नाम हो गया, कोर्सेज हो गए, कैटेगरीज आ गई, जेंडर आ गया, ये सारी चीजें आ गई। उसके साथ साथ योर करंट सेमेस्टर और ईयर, तो आपका जैसे फर्स्ट ईयर है तो मान लेते हैं यहाँ फर्स्ट ईयर हमने इसे चूज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पीरियड, डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट और जेम, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे यस करो, अदरवाइज आप नहीं बिलोंग करते हो जम्मू कश्मीर तो नो कर दो। परसेंटेज इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपको जितना परसेंट मिला है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, यानी कि अगर आप बीएड का भर रहे हैं तो अगर आप बैचलर्स के बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ है तो आपको बीए का मार्क्स यहाँ पे भरना है, अगर आपका मास्टर्स के बेसिस पे हुआ है तो आपको यहाँ पे मास्टर्स का भरना है। आपके घर से यहाँ की कितनी दूरी है तो आपको उसको किलोमीटर में लिखना है एज डिफाइंड। सीनियरिटी इन यूनिवर्सिटी एक्सक्लूडिंग स्कूल सीनियरिटी, तो आपके स्कूल को छोड़ के अगर आप बैचलर्स में सीधा अगर आप आए हो तो सीधा बिटवीन 2 एंड 3 ईयर्स, अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप वो कर सकते हो, अगर वैसा कुछ नहीं है तो 3 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। और ये सिर्फ एक कोर्सेज के लिए नहीं, ये सभी कोर्सेज के लिए ही अप्लाई होगा। इकोनॉमिक स्टेटस, अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस कितनी होगी, तो लेस देन 5 लाख है या 8 लाख, जो भी आपके एनएसएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, एनसीएस सर्टिफिकेट है तो आप उसको चूज कीजिए, नन है तो नन कर दीजिए। उसी तरीके से आप इसे भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को भी नन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करना होता है, क्लिक टू प्रोसीड। जैसे आप इसको प्रोसीड करते हो, योर डाटा इज सक्सेसफुली सेव, प्लीज प्लीज बिफोर फाइनल सबमिट प्लीज चेक योर डिटेल। ओके, तो ये डेटा मेरे पास सेव हुआ है, लेकिन डेटा सेव होने से इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप आई हियर बाय अप्लाई करके अगर आप फाइनल सबमिट करते हो तो आपका सब कुछ यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर आप इसे फाइनल सबमिट नहीं करते हो अभी अभी के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसे ले ली थी, अब यहाँ पे आता है पॉइंट, ये पॉइंट किस बेसिस से प्रोवाइड की जाएगी तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसका फिर हम आपको आई बटन पे आपको लिंक दे देंगे, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हो जिसमें हम लोग इस पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि पॉइंट किस बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है और क्या क्या पॉइंट्स होती हैं, कितने कितने पॉइंट्स पे आपको क्या होगा। देन आफ्टर आपको क्या करना, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल दीज डिटेल्स आर करेक्ट एंड ऑल दिस, देन आपको फाइनल सबमिट करना है। जब फाइनल सबमिट कर लेते हो, फाइनल सबमिट करना ही सिर्फ आपका मकसद नहीं है, उसके बाद का भी कुछ प्रोसीजर है।
ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। देन आफ्टर जैसे वो फाइनल सबमिट हो जाएगा, देन आफ्टर आपके पास इस तरीके से ये फॉर्म बन करके आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स ये सब कुछ आपको लेना है और इस पेज को प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये सबमिट होगा। इसके साथ साथ आपके बाकी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन फी 200 रुपए की, जो आपकी इन कैश डिपॉजिट होगी कहाँ, प्रोवोस्ट ऑफिस में, ठीक है। और ये कब तक आप सबमिट कर सकते हो, तो 12/11/2022 से पहले आप इसे सबमिट कर सकते हो, 5 बजे से पहले, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी हमने बात किया था, आपके कितनी पॉइंट्स होंगे, किस किस चीजों पे कितने कितने पॉइंट्स हैं, इट मीन्स की परसेंटेज पे क्या पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन पे क्या पॉइंट है, स्कूल सीनियरिटी की क्या पॉइंट है, इकोनॉमिक स्टेटस का क्या है, एनसीसी एनएसएस का क्या सीन है। तो इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।